नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com में और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मोदी की हैट्रिक में फरीदाबाद की हो अहम भूमिका। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डी सुरेश ने खोला डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ मोर्चा, ईसीआई को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग। अनिल विज का मीडिया में छलका दर्द, बोले इस बार अपने क्षेत्र में ही करेंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा में प्राइवेट स्कूल अलर्ट, अनफिट बसों को लेकर एनआईएसए ने कहा, हम एसओपी लागू करेंगे, बसों को रैलियों में न भेजे सरकार। हरियाणा में गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी जजपा में बढ़ी तकरार, सांसद का खुला ऑफर, जजपा छोड़कर भाजपा में आए नेता, यहां फ्यूचर अच्छा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश लोकसभा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने कहा, हरियाणा में सभी 10 सीटें और देश में 400 पार का संकल्प भी पूर्ण होगा। तिगांव विजय संकल्प रैली में बोले नायब सिंह सैनी, कांग्रेस के पास न नेता, न नीति और न ही काम करने की नीयत है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसानों के नुकसान की भरपाई करे और नमी में छूट की लिमिट बढ़ाए सरकार। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण आढ़ती व किसान बर्बादी की कगार पर है। हरियाणा में कांग्रेस की लोकसभा टिकटों पर आर पार, भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा सुरजेवाला गुट 6 सीटों पर अड़े, सोनिया खड़के की बनाई कमेटी से किनारा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।